इस लाइन में कितने दिन से सर 5-6 साल हो गया लगभग। थे? अच्छा, 5-6 साल से थे। तो आपको सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम हो रही थी? सर सॉफ्टवेयर मतलब हल्का बहुत जानकारी था, उसके कुछ भी नहीं आ रहा था। अच्छा, अब आप कर पाते हो सॉफ्टवेयर या नहीं? अभी तो कर पा रहे हैं सर, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है किस चीज में दिक्कत आ? सर। जैसे अभी UMT सेटअप नहीं हो रहा सर, मतलब वो जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करवाए थे नहीं हो रहा है वो। लेटेस्ट वर्जन आ गया उसमें? जी लेटेस्ट वर्जन कर रहे हैं तो सर फेल्ड मार देता है बार बार वो। वो चेक कराना कौन सी वेबसाइट से कर रहे हो, किससे कर रहे हो। जी UMT सपोर्ट बाकी से डाउनलोड करो। हाँ, अभी तो उसमें न्यू वर्जन आया ना सर एक सेटअप। नया वर्जन आया है 4.6 MediaTek। जी तो आप ये बताओ, आपके कोचिंग के बारे में जो आपने ऑनलाइन क्लास किया है, ये समझ में आया था या नहीं आया था? क्या कहना चाहोगे? जो भी भाई वीडियो देख तो क्या कहोगे बहुत बढ़िया समझ में आया था सर, बहुत बेस्ट इंस्टीट्यूट है। उनसे? आपने अच्छा, हर एक पॉइंट बताया था सर। आपको जो भी कराया था, प्रैक्टिकल कराए थे या थ्योरी में कराए थे, जो भी ऑनलाइन में कराया था? सर थ्योरी कराई थी, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल था सर सब। सब लाइव आपको प्रैक्टिकल दिखाई थी ना, फ्लैशिंग, अनलॉकिंग, फॉर्मेट। जी, सब कुछ प्रैक्टिकल था सर। चलिए, अब दोबारा से सॉफ्टवेयर की क्लास स्टार्ट होगी, आप उसमें भी जुड़े रहें। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है, आपने सॉफ्टवेयर पहले कभी नहीं किया था, फ्रेशर थे तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है फ्रेशर के लिए, लेकिन अब दोबारा क्लासें चलती हैं, आप उसमें जुड़ना। कल से स्टार्ट होगी सॉफ्टवेयर की क्लास, सुबह 8-10 पे, जी 8-15 स्टार्ट करूंगा, उसमें जुड़े रहना। ठीक है? ठीक ठीक है, चलिए। क्या नाम है? मुजम्मिल। करूं मैं? मुजम्मिल, ये बताइए, आप इस लाइन में फ्रेशर थे या काम जानते थे पहले से थोड़ा बहुत? क्या सर? मोबाइल रिपेयरिंग का काम पहले जानते थे आप या फ्रेशर थे? बिल्कुल। आपकी आवाज कुछ नहीं आ रही सर बरोबर। ये कह रहा हूं मैं, आप काम पहले से जानते थे या बिल्कुल फ्रेशर थे नहीं इस सर, लाइन में? नहीं सर, पैसे नहीं जानता सर। अच्छा, फ्रेशर आपकी थे। तरफ से अच्छा, सिखाया सर। जो भी आपने जी सर, सीखा है फ्रेशर थे। वो आपके समझ में आया? जो अभी तक जितना भी हुआ रिपेयरिंग का, अभी सॉफ्टवेयर तो आपका नहीं हुआ, कल से स्टार्ट होगा, लेकिन जो भी आपका रिपेयरिंग में हुआ है वो समझ में आया अच्छे से जी या नहीं? सर, तो जी आप सर, समझ में आया रिपेयरिंग सर, हार्डवेयर का समझ में आया। करते हो या अभी नहीं करते? रिपेयरिंग नहीं करता हूँ अभी मैं। अच्छा, अभी आप अपनी जॉब पर हैं? जी सर, जॉब करता हूँ। जैसे टेम्पररी सर, अभी कि सीखा हूँ टेम्पररी, कभी नहीं। अच्छा, कभी कभी काम करते हैं। चलिए, ये बताइए, आप जो जो कि जैसे जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन देखते हैं, वो चाहते हैं कि आपका रिव्यू डाले, जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट सीखते हैं क्या सीखा है कैसे सीखा, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप यहाँ आए RPP इंस्टीट्यूट में, अली तरह सर के वहाँ सर का सिखाने का समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि सब लोग आए और ज्वाइन करें, कम से कम फीस है और सीखने को ज्यादा से ज्यादा मिलता है। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, ऐसा तो नहीं करते जैसा कि आपका महीने का कोर्स टाइम हो जाता है तो उसमें क्लास बंद कर देते हैं? नहीं, सर ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता सर। लाइफ टाइम रहती है ना सपोर्ट तो यहाँ से आपकी। जी सर, लाइफ टाइम सपोर्ट है सर, और फ्री है सर, चलिए बिल्कुल ठीक। फ्री है। हाँ, और आपका ना कल मतलब से कहीं अपने सॉफ्टवेयर, को जाना ना रहा तो भी उसके लिए भी अपने को छुट्टी वगैरह मिल जाती। हाँ कल से आपको सॉफ्टवेयर स्टार्ट कराएंगे जी सर, 8:10। ठीक है, चलिए। शैलेंद्र पाटिल, माइक ऑन कीजिए। हाँ सर जी, जी आप हाँ बताइए किस जगह में हैं।
बढ़िया। कौन सी जगह से रहने वाले हैं? ये पीतमपुर। अच्छा, मध्य प्रदेश। यस सर। अच्छा, आप क्या सर जी, मोबाइल रिपेयरिंग की लाइन में कितने दिन से थे? डेढ़ महीना। अच्छा, डेढ़ महीने से। जो आपने मेरे से अभी रिपेयरिंग सीखा है, इसमें आपको जो रिपेयरिंग सीखा, आप उससे काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? आपकी दुकान है जी सर जी, अच्छा कर पा रहे हैं। जो आपने मेरे से कोर्स किया है और आप पहले करते थे, कोर्स करने से पहले, दोनों में क्या आपको समझ में आया, ये बताइए। बहुत चीज समझ में आई सर, जैसे जो नहीं कर पाते थे ना, अब उसको भी आसानी से कर ले रहे। पहले कुछ समझ ही नहीं आता था कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब थोड़ा वो ठंडी पड़ा लगा है, जो भी ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं उनका क्या कहेंगे? आपके मध्य प्रदेश सारे लोग जुड़ना चाहते हैं क्या सर जी? बहुत सारे लोग जो जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन कोर्स में, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि सर जी आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, मतलब पढ़ाने का जो इस तरीका है वो बढ़िया लगा, मतलब आसानी से समझ में आ जाता है। तो यस सर, बाकी का लाइफ टाइम सपोर्ट चलता है सुबह और शाम की क्लास, तो आप उसमें चलता है सर बिल्कुल। हाँ, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं यदि आपके पास टाइम है, या आप हैं और कोई भी जिनके पास टाइम है, वो हमेशा के लिए हमारे ऑनलाइन क्लासों में जुड़ सकते हैं, जिसका बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, लाइफ टाइम सपोर्ट। ठीक है सर जी, चलिए ठीक है। मुन्ना सिंह जी सर, जो आप किस जगह से हैं? आप बताइए। चलिए, आप सबसे पहले बताइए आप किस जगह? महाराष्ट्र पुणे से हूँ सर। ठीक है, आप सर इस लाइन में कितने दिन से थे? सर मैं इस लाइन में तो 1 साल से था, लेकिन अब बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, लेकिन अभी ये जो आपने कहा आपके यहाँ कोर्स किया, तो हमें बहुत हेल्पफुल हेल्प बहुत अच्छा मिला और अच्छा ज्ञान मिला, क्योंकि ज्यादा कोई ऐसा हैंडसेट रुकता नहीं है, निकल जाता है अपना, आने के बाद उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं, पहले बहुत दिक्कतें आती थी। अच्छा, तो जो भी फॉल्ट आते हैं वो आप रिपेयर कर लेते हैं पहले से, और मैं जैसे कि कोर्स किया है और उसके बाद में कोई सुधार करने में, काम करने में आया कोई? सर ऐसा है, मैं पहले 1 साल से काम कर रहा हूँ दूसरे के स्टोर में। ठीक है, लेकिन वहां पर क्या है, डिस्प्ले है, चार्जिंग बेस है, रिंगर माइक, ऐसा मतलब काम करते थे, बाकी कोई नॉलेज नहीं था। ठीक है, लेकिन आपने जो सिखाया पीसीबी बोर्ड पे सब सेक्शन और वगैरह, मतलब कि फॉल्ट फाइंडिंग, ये सब समझ में आया सर, और ये करते भी है, थोड़ा बहुत है वो भी आपकी मदद से सब सॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो जैसे कि जो भी वीडियो देखते हैं या ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उनसे क्या कहेंगे हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में? सर यही कहेंगे कि आरपीपी इंस्टीट्यूट बटर है, आप कहीं से भी ज्वाइन हो जाओ और उसके बाद वहां कोर्स करो ऑनलाइन ऑफलाइन, क्योंकि वहां सीखने के बाद अभी कभी आप फेल नहीं हो सकते हो, ये हमारा अनुभव है 100%। तो आपने जैसा कि जो आपको सिखाए थे वो बेसिक से, मतलब स्टेप बाय स्टेप सिखाया था या बीच में कुछ चीजें छोड़ दी गई हैं आपकी? जी नहीं, स्टेप बाय स्टेप सिखाए हैं, फुल सेक्शन की जानकारी दी है, ऐसा नहीं है कि चार्जिंग सेक्शन बताए तो फिर पावर सेक्शन का नहीं बताए तो नेटवर्क सेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है, आपने पूरा विधिवत सीरियल बाय सीरियल सब सेक्शन की जानकारी दी है सर। तो पूरा आपको डीप में समझाया सभी को जो अच्छे से? जी हाँ। तो जैसे कि क्लास कराते टाइम कोई ऐसा तो नहीं किया, जैसे कि आपका कोर्स मान लो 1 महीने का है तो उसे 1 महीने में ही खत्म करना, कोई जल्दबाजी तो नहीं की आपके साथ में किसी के साथ? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कोर्स करना चाहते हैं, अब रिव्यू सबका इसलिए लिया है क्योंकि कोई कहाँ से है, कोई कहीं से है, काफी दूर दूर से लोग जुड़ते हैं, तो इन्होंने रिव्यू। वन सेकेंड सर। ओके, अपने भाइयों से यही मैं कहना चाहूंगा कि आए
ऑफलाइन या ऑनलाइन इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें और अच्छा नॉलेज पाएं, क्योंकि अधूरे नॉलेज से कम नहीं होता है। और सर आप जैसा अगर टीचर हो तो फिर अब कहना क्या जी। सरफराज कुछ कहेंगे आप? सर हम ये कहना चाहते हैं जो भी बाहर से छात्र या ऑनलाइन क्लास करे वो आरपीपी इंस्टीट्यूट में करे सर, क्योंकि मेरे कई फ्रेंड जुड़े हैं फ्यूचर इंस्टीट्यूट और कई जगह से सर, यहाँ के तरह समझाने के तरीके उस जगह में नहीं है सर। तो आपने और भी कहीं कोर्स किए थे? नाम मत लेना किसी कोचिंग का, लेकिन ये बताओ कहीं कोर्स किए थे ऑनलाइन या नहीं? सर हमने किए थे एक दो कोचिंग, लेकिन आपके ऐसा समझाने का उनका तरीका बढ़िया नहीं था सर। अच्छा चलिए, तरीका भी ठीक है, आपको अच्छा लगा समझाने के लिए, उसके लिए थैंक यू। लेकिन जो व्यवहार है सबसे बड़ी बात होती है, टीचर का व्यवहार वो कैसा है सर, मतलब समझने का जो समझाने का जो तरीका होता है स्टूडेंट को, वो नहीं मिला सर आपके एग्जाम को। अच्छा मतलब सबसे अच्छा आपको हमारा ही लगा सिखाने का तरीका? जी सर, मैंने कई इंस्टीट्यूट देखे सर यूट्यूब में भी और एक दो जगह कोर्स भी किया, लेकिन आपके ऐसा टीचर नहीं मिला सर। चलिए ये अच्छा है कि आपको कुछ चीजें अच्छी लगी हैं। जो भी कोर्स करना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है मैं आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाता हूँ डीप में। लेकिन जब भी आपको कोर्स कराऊंगा तो आपको पूरा ही कराऊंगा, लेकिन उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे कि 30 दिन का है तो 30 दिन में ही खत्म करना, ऐसा मेरे यहाँ पर नहीं होगा बिल्कुल। जी जब भी आपको कॉल करते हैं सर आप उस वक्त कॉल रिसीव कर लेते हैं? हाँ देखिए कॉल मैं सबका रिसीव करता हूँ, लेकिन एक्चुअली कभी कभी जब नहीं करता, जैसा कि मैं ऑफलाइन में क्लास कराता हूँ तो उस समय कॉल रिसीव ना करना एक मजबूरी है, लेकिन बाकी के मैं आपको बैक कॉल भी करता हूँ। जिस चीज का मतलब कोर्स किया था उसी का प्रॉब्लम दिखता है, लेकिन आपके पास मैं कोर्स करके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूँ। अच्छा दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा है। बेस्ट इंस्टीट्यूट है सर आरपीजी। चलिए थैंक यू। और मुजम्मिल आप क्या कहेंगे अब? ये आज का रिव्यू लेते हैं, तो कोई बात नहीं रिव्यू ले लीजिए आप, बता रहे हैं। मुजम्मिल जी आपके नेटवर्क स्लो आते हैं, आप क्या जैसे भी आपने सर, मैं इसके बारे में। हाँ सर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो भी भाई जो ये वीडियो को देखेंगे तो वो आरपीपी इंस्टीट्यूट जरूर ज्वाइन करें, यहाँ से सबसे अच्छा सिखाया जाता है, सबसे ज्यादा सिखाया जाता है, सबसे कम फीस में। और सर का सिखाने का तरीका समझने का तरीका बहुत ही बढ़िया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सुबह शाम क्लास होती है, मॉर्निंग इवनिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन आप जुड़ सकते हैं, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और आपका समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है सर। चलिए थैंक यू। देखिए मेरा बस यही मतलब है कि अब आप इस लाइन में हैं, जो भी हैं जो भी करते हैं, तो मेरा बस ये मतलब है कि आपको जो भी चीजें सिखाई जाएं वो एकदम अच्छे से डीप में लेकर सिखाई जानी चाहिए, क्योंकि आपको कभी दूसरी जगह जाने की जरूरत ना पड़े। तो मेरा मकसद यही रहता है सभी के लिए, मेरे लिए आप सभी ना सब एक समान है, कोई भेदभाव वाली बात किसी के लिए नहीं है, क्योंकि सबने फीस दिया है, सभी मेरे से सीख रहे हैं, तो मैं सबको एक जैसा ही सिखाता हूँ। लेकिन बस थोड़ी सी कमी यहाँ पे होती है कि जो सामने वाले सीख रहे हैं ना वो किस तरीके से पकड़ रहे हैं, उनकी कैचिंग पावर कैसी है, कुछ चीजें वहाँ पे डिपेंड करती हैं। जी सर सबका माइंड अलग अलग होता है, सबका माइंड अलग होता है, कोई जल्दी पकड़ता है, कोई थोड़ा लेट पकड़ता है, लेकिन सीख सब जाते हैं मेरे यहाँ से, सब जाते हैं सभी सीख जाते हैं। चलिए क्या नाम है यूसुफ? हाँ सर नमस्कार जी। नमस्ते, कैमरा ऑन कीजिए अपना। चलिए यूसुफ आप किस जगह से हैं? सर हम सहारनपुर से हैं, राजगढ़ साहब। एमपी से? हाँ एमपी से। चलिए आप ये बताइए कि इस लाइन में आप कितने दिन से थे मोबाइल रिपेयरिंग की लाइन में? मोबाइल रिपेयरिंग की लाइन में सर 4 महीने होगा। कितना? 4 माह।
अच्छा 4 माह हो गए आपको, तो अभी आप जैसे कि फ्रेशर ही थे आप इस लाइन में, ठीक है। हाँ तो जो ये बताइए, जो आप काम करते थे दुकान पे और जो आपको ऑनलाइन में चीजें सिखाई गई थी, वो आपको पहले से आती थी या आपको यहाँ पर नया मिला सीखने को मेरे पास? नहीं सर, आपके पास तो कुछ नया ही मिला है, मतलब इस टाइप का हमने सिखाया नहीं था। तो जैसे पार्ट्स के बारे में जानकारी, कंपाउंड्स के बारे में जानकारी, डायग्राम सिस्टमेटिक जानकारी और रिबोलिंग, ये सब चीज नहीं सिखाई थी हमने। तो खाली बस ये सिखाया था कि कम सिखाया था उससे, मतलब हटके काम ही होता। तो आपने दूसरी कहीं दूसरी इंस्टीट्यूट में सीखा होगा पहले? नहीं, पहले सर दुकान पे सीखा था। अच्छा, दुकान पे सीखे थे। तो आपने जो दुकान पे सीखे थे, आप हमारे पास में ऑनलाइन में जो सीखे, दोनों में अंतर क्या लगा आपको? दोनों में बहुत कुछ अंतर है सर। इसमें हर पार्ट की रेटिंग वेटिंग कंपाउंड के बारे जा रहे हैं जानकारी और अच्छे से दिखाई जाती है उसमें और सिखाया जाता है, और उसके बाद बता भी जाता है कि अगर समझ में नहीं आते बाद में आप कर सकते हो, पूछ सकते हो सर से जो भी जानकारी है। तो आप वो जो कोर्स करा रहे हैं उसमें कोई जल्दबाजी तो नहीं कि आपके साथ में कितने दिन का कोर्स है, इतने दिन में ही खत्म करना है? नहीं 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 सर, कोई जल्दबाजी नहीं करी सर, हिसाब से बता रहा आपको। तो सारी चीजें आपको समझ में आ रही है जो भी जितना भी कराया? हर चीज अगर कुछ भी चीज सर सीखना है तो धीरे धीरे सीख पाते, एकदम तो थोड़े सीखते हो, ज्यादा फास्ट काम सिखाओगे तो सीख नहीं पाएंगे। नहीं सर, मैं भी एक 8वीं के बच्चे से 12वीं तक एक बच्चे को पढ़ाता था मैं, पहला सर था। अच्छा। तो मैं भी धीरे धीरे पढ़ाता था उनको, एकदम अगर पूरी चीज समझा देंगे तो वो थोड़ी समझ में आएगी। नहीं समझ में आएगी, इसलिए आज ना मैं आप सभी का रिव्यू ले रहा हूँ, जिससे कि जो भी वीडियो देखते हैं वो जुड़ना चाहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए मैं आप सभी का रिव्यू ले रहा हूँ, इसको मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूंगा। हाँ। तो आपसे दूर दूर से है इसलिए रिव्यू ले रहा हूँ, जिससे कि जो भी भाई जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पास में मेरे कॉल करते हैं, कहते हैं हमने वहां से कोर्स किया था, वहां से कोर्स किया था, हमारे को समझ में नहीं आया। हाँ सर, आप हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहेंगे जो भी आपने सीखा जैसा भी? जी सर, बहुत बढ़िया है। अगर आगे के अगर अपना भविष्य बनाना है तो एक दो महीने में अगर लगे, भले 3 महीने लगे 4 महीने लगे सीखने में, तो कोई फर्क नहीं, सीख जाएगा, एक बार हुनर आ जाएगा आदमी के पास, तो वो उसका घर खर्चा या रोजगार चला सकता है। वो चीज सीखने में वो जितनी मेहनत है नहीं वो लगाना चाहिए, क्योंकि इससे अभी आप पढ़े लिखे भी हो या अनपढ़ भी हो तो आदमी इधर उधर टाइम वेस्ट कर देता है, और कुछ भी काम हाँ। सीखने में 1-2 साल लगते हैं, तो ये मोबाइल का रिपेयरिंग का कार 1-2 महीने भी या 3 महीने भी लग जाते हैं तो लगा सकते। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आप हमारे कोचिंग के बारे में क्या कहेंगे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे? ये कोचिंग पे अगर कोई भी स्टूडेंट इस कोचिंग को ज्वाइन करना चाहता है सर तो कर सकता है, क्योंकि इस कोचिंग में बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। यूट्यूब से थोड़ा अलग सिखाया जाता है, क्योंकि यूट्यूब पे तो अलग बताएंगे खूब तो काम, और यूट्यूब पे अपने डाउट थोड़े क्लियर हो सकते हैं। अगर किसी जगह अपन कोचिंग लगाई है सीखने की तो उस जगह सर से पूछ भी सकते हैं, इसलिए कोचिंग लगाना भी एक फायदेमंद है। कुछ भी जानकारी कि किसी समस्या आ रही है तो सर से पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब हमारे साथ में जो जुड़ चुके हैं सचिन कुमार जी, आप किस जगह से रहने वाले हैं? प्रणाम सर जी। प्रणाम भैया, किस जगह से रहने वाले हैं आप? गाजीपुर से सर जी। गाजीपुर से। अब आप ये बताइए कि जो आपने, मैं आज रिव्यू ले रहा हूँ सभी के जो कि मैं यूट्यूब पर डालूंगा, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो भी आपने कोर्स किया था और आप फ्रेशर थे, आपने कैसे कैसे काम सीखा था, थोड़ा बताइए सभी। मैं यही सभी भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि वहां पर जो पढ़ाया जाता है बहुत बढ़िया से पढ़ाया जाता है, थ्योरी बहुत अच्छी है सर का समझाने का। मैं भी एकदम बिल्कुल फ्रेशर था, मगर वहां पर 2-4 दिन मेरे को पहले तो कुछ नहीं समझ में आता था, मगर उसके बाद सर ने मेरे को इतना बढ़िया से समझाया कि मैं पूरा एकदम क्लियर कर लिया अपना कोर्स। आपने अपनी दुकान खोल ली कोर्स करने के बाद? जी जी, दुकान खोल लिया, अब कोई दिक्कत नहीं होता है। आप दुकान पर काम कर पा रहे हैं अपनी पे या नहीं कर पा रहे? जी कर पाते हैं काम। चलिए अच्छा, जो भी वीडियो देख रहे हैं आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्रेशर थे, कुछ भाई इसमें जो काम करने वाले थे कुछ फ्रेशर थे, अपना भी काम कर रहे हैं और जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं
मेरे पास में बिना टेंशन के बिना सोचे समझे ज्वाइन हो सकते हैं। आपको बेसिक से एडवांस तक पूरा प्रैक्टिकल कराएंगे, एकदम डीप में ले जाके अच्छे से। लेकिन मेरे यहाँ पे कोई जल्दबाजी आपके कोर्स में नहीं की जाएगी। क्यों सचिन, सही कर रहा हूँ गलत? सही है सर, सही है सर। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आपको अच्छे से ही सिखाएंगे सारी चीज।